हाय, इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी और दिल्ली मेट्रो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट कर दूँ वो आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, और ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में यह ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। और हाइड्रोजन बम से संबंधित और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हैं, हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम के विकास में विशेष योगदान किसने दिया? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम के विकास में सर्वाधिक योगदान या विशेष योगदान सैमुअल कोहेन ने दिया, लेकिन खोज किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने, ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका खोज 1952 में एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु बम। यहाँ पे परमाणु बम भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों परमाणु बम का खोज 1945 ईस्वी में किया गया था। तो परमाणु बम का खोज किसने किया था? दोस्तों परमाणु बम का खोज किया था ओटो होन ने। और परमाणु बम के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो परमाणु बम के विकास में सर्वाधिक योगदान जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दिया था, और लेकिन इसका खोज ओटो होन ने किया था। और परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका खोज 1945 में ओटो होन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पोलोनियम का खोज किसने किया? दोस्तों पोलोनियम का खोज मैरी क्यूरी ने किया था, और पाउली जो है न्यूट्रॉनों का खोज किया था, मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था, और एंडरसन जो है पॉजिट्रॉन का खोज किया था। पोलोनियम जो है इसका यानी कि इसमें सबसे अधिक समस्थानिक की संख्या होती है, कुल समस्थानिकों की संख्या 27 होती है, और इसका खोज मैरी क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण होता है? परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो दोस्तों परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना भारी होता है। एग्जाम पूछे जाते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कितना गुना भारी होता है? तो दोस्तों प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना भारी होता है। और परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर काटते हैं। और पूछा जाता है एग्जाम में परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो दोस्तों परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है 10^-15 मीटर होता है, और परमाणु के त्रिज्या का आकार 10^-10 होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। और हाइड्रोफोन जो है वो जल के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए यानी इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। और ओममीटर से जो है धारा विद्युत धारा नापा जाता है, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज, और प्रतिरोध ओममीटर से मापते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मात्रा से संबंधित यानी कि इकाई एसआई यूनिट से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, एक या दो निश्चित मिलेगा, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिट से संबंधित मात्रा याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं एक वीडियो आपको अपडेट कर दूंगा जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रा रहेगा, और वही वीडियो से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लें। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन सही से सोचिए समझिए उसके बाद आंसर कीजिए। इलेक्ट्रॉन में आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिल्कन। और प्रोटोन गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटोन का खोज किया था, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन प्रोटोन का खोज किया था, जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आवेश का निर्धारण किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिल्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का आकलन यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम डेंटिंग विधि। और रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा क्या किया जाता है?
तो दोस्तों जीवाश्म के आयु किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। और पेड़ पौधा का आयु जो किसके द्वारा पता किया जाता है, तो बलय गिनकर, पेड़ पौधा के बलय गिनकर उसका आयु पता किया जाता है। बलय या कहीं कहीं रिंग देता है, कहीं कहीं छल्ला भी दे देता है, तो सब एक ही हुआ, बलय रिंग छल्ला। इसके द्वारा पेड़ पौधे को आयु गिन, यानी कि बलय या छल्ला या रिंग गिनकर पेड़ पौधे के आयु पता किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के, यानी वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल का। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों अमोनिया गैस के बनाने की हैवर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो दोस्तों टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा होता है, तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत सेल, यानी कि विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पर जो पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन होता है, तो विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो दोस्तों दूध का शुद्धता जो होता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग यानी कि जल के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। फाइदोमीटर से, ऑप्शन डी में जो दिया गया है फाइदोमीटर, उससे यानी समुद्र की गहराई मापी जाती है। और टेकोमीटर से मोटर के शाफ्ट के गति, यानी कि मोटर के जो धुरा होता है जिसे शाफ्ट बोलते हैं, उसका गति मापा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है केवल एसी पे, और डीसी पे इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता है कि जब ट्रांसफार्मर डीसी धारा देते हैं तो ये बहुत हीट उत्पन्न करता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में यानी कि आग लग जाता है, जल जाता है, इसके वजह से डीसी उपयोग नहीं करते हैं, और ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पे कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो दोस्तों पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है, कैमरे का लेंस उत्तल लेंस होता है, और अवतल दर्पण जो है इसका प्रयोग हम लोग यानी कि सौर कुकर में या सौर प्लेट में करते हैं, या अवतल दर्पण निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग दूर दृष्टि दूर करने के लिए किया जाता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में, और यह भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, और ये कब अंतरिक्ष में गई थी, 2003 में, लेकिन अंतरिक्ष से लौटते समय इनका विमान था कोलंबिया दुर्घटना के कारण इनका मृत्यु यानी कि अंतरिक्ष से लौटते समय हो गया था। कब हुआ था, 1 फरवरी 2003 ईस्वी को, और उस यान का नाम क्या था, दोस्तों उस यान का नाम था कोलंबिया मिशन STS-107 दुर्घटना, यानी कि उस यान का नाम था कोलंबिया STS-107, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 1 फरवरी 2003 ईस्वी को, और इसी दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन B12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधिया बीमारी होता है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी यानी मसूड़े में जो बीमारी होता है अस्कर्वी बीमारी होता है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया था विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम साइनोकावालामीन होता है, और इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया या पांडु रोग होता है। और विटामिन ई के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो दोस्तों विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं,
और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसा कि आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा और धोवन सोडा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको आप इसको इस तरह याद रखेंगे, लोग खाना खाने के बाद बाय बोलते हैं, इसीलिए बेकिंग सोडा में बाय लगता है, यानी कि आप बाय लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बाय, यानी कि बाय किस में लगता है, तो खाने वाला सोडा में, क्योंकि लोग खाना खाने के बाद किसी पार्टी में जाते हैं तो खाना खाने के बाद बाय बोलते हैं, तो आप खाने वाला सोडा में बाय लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सोडियम यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। और बेकिंग यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग या अग्नि शमन यंत्र में किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा के नाम से जाना जाते हैं, धोने वाला सोडा, और इसका सूत्र होता है Na2CO3, और इसका उपयोग कपड़ा धोने में और कागज़ उद्योग में किया जाता है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल होता है जिसका सूत्र होता है D2O, और इसका अनुभार जो होता है 20 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया या संगमरमर या चूना पत्थर भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंडे का जो ऊपर वाला भाग होता है उजला भाग हार्ड भाग वह क्या चीज़ होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ समूह को सर्वदाता समूह कहते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, जिसमें ए बी जो है सर्वग्राही है जिसे यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं, और ओ जो है सर्वदाता है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे जो है ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, और बाकी 3 रक्त समूह है ए बी इसमें एंटीजन पाया जाता है, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है और बाकी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वाधिक है या कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक पाया जाता है, तो बी पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, बी पॉजिटिव बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा कभी पूछ दे तो बी पॉजिटिव आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का सवाल, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मैं इसी तरह डेली आपको कुछ ना कुछ देते रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आएंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।